गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अम्ल सारक एवं लवण। और इसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होता है, तनुकृत अम्ल और सांद्र अम्ल क्या होते हैं। अब जो पार्ट अम्ल में बच गया था, इस वीडियो में जो मैं करवाऊँगा वो भी अम्ल के बारे में है। ये करने के बाद हमारा अम्ल सब कुछ उसमें कंप्लीट हो जाएगा, अम्ल के बारे में कुछ नहीं बचेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अम्ल देखो, हमने पढ़ लिया था पहली वीडियो में कि अम्ल कोई भी ऐसा पदार्थ जो खट्टा होता है वो अम्ल होता है। लेकिन अब सभी खट्टे पदार्थ अगर अम्ल हैं तो उन सभी में कोई ना कोई चीज़ तो समान जरूर होगी। तो वो कौन सी चीज़ है जो सभी अम्लों में समान होती है? तो सभी अम्लों में क्या समानता है? तो सभी अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। मतलब क्या है, अगर हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो जो अम्ल होगा वो आयनीकृत हो जाएगा, मतलब वो आयनों को छोड़ देगा और उन आयनों में एक आयन हाइड्रोजन आयन जरूर होगा और उस हाइड्रोजन आयन के कारण ही उस अम्ल की अम्लीयता होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कोई भी ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन छोड़ता है उसको अम्ल कहते हैं। जैसे ही हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं। हाइड्रोजन आयन, हम हाइड्रोजन आयन को अगर लिखेंगे तो हाइड्रोजन HAQ लिखना पड़ेगा, एक्वस। एक्वस का मतलब है हाइड्रोजन आयन हमेशा जलीय विलयन में ही निकलते हैं। अगर अम्ल शुष्क अवस्था में है, सूखा है, तो हाइड्रोजन आयन नहीं निकलेंगे और उस अम्ल के अम्लीय गुण भी नहीं आएंगे। कहने का मतलब क्या है, किसी भी अम्ल में अम्लीय गुण उसके हाइड्रोजन आयन के कारण होते हैं और वो हाइड्रोजन आयन हमेशा जलीय विलयन में ही छोड़ता है, शुष्क अवस्था में नहीं छोड़ता। जैसे हम HCl, हमारे पास जैसे ही उसको हमने पानी में मिलाया तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन आयन H+ और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन याद रखना, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये पानी में इस रूप में नहीं मिलते, हाइड्रोजन आयन के रूप में नहीं मिलते, ये जल के साथ, जल के पोलर अणु जो होते हैं, पोलर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें प्लस और माइनस दोनों आयन होते हैं यौगिक के अंदर ही, वो होता है पोलर। जैसे H2O है तो इसमें H+ OH नेगेटिव, ये पोलर है। तो ये इस क्या है, ये आगे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होता है। तो ये मैं सीधा सा मतलब इसका समझ लो कि हाइड्रोजन आयन H2O के साथ जुड़कर H3O+ के रूप में मिलते हैं, या हाइड्रोजन आयन खाली हाइड्रोजन आयन लिखेंगे तो H के साथ H+ AQ जरूर मिलेगा, या फिर H3O+ ये लिखो, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब पता चल गया कि अम्ल के अम्लीय गुण हाइड्रोजन आयन के कारण होते हैं और अम्ल जलीय विलयन में आयन छोड़ता है। और हमें पता है कोई भी ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में आयन छोड़ता है या आयनों में विभाजित हो जाएगा वो विद्युत धारा का सुचालक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्ल विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन तो होते हैं। उदाहरण लेके देख लो, जैसे क्या सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन होते हैं? देखो, हमने पढ़ लिया H2SO4, इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। जैसे हम इसको पानी में मिला देंगे तो इसमें से निकलेंगे 2 हाइड्रोजन आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, HNO3 अम्ल है, HCl अम्ल है, खनिज अम्ल की बात कर रहे हैं हम, HCl है। HCl जब आयनीकृत हो जाएगा तो हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन निकलते हैं। HNO3 की बात करो, HNO3 H+ NO3 नेगेटिव, तो सभी में देखो हाइड्रोजन आयन तो निकल ही रहे हैं। अगर हम कोई वीक अम्ल, वीक एसिड या दुर्बल अम्ल की बात करें, जैसे ये कार्बनिक अम्ल है, इसमें से भी CH3COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन ये निकलते हैं। ठीक है, CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है जो सिरके में होता है, तो इसमें भी हाइड्रोजन आयन निकलता है। कहने का मतलब क्या है, चाहे अम्ल कार्बनिक अम्ल है, चाहे अम्ल खनिज अम्ल है,
उनमें हाइड्रोजन आयन तो अवश्य होगा। हाइड्रोजन आयन के कारण ही उसके अम्लीय गुण होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, हाइड्रोजन तो बहुत सारे दूसरे यौगिकों में भी होती है। क्या सभी यौगिक जिनके पास हाइड्रोजन है क्या वो अम्ल होते हैं? क्या ऐसा है? नहीं। देखो, सभी अम्ल में हाइड्रोजन आयन अवश्य होते हैं, लेकिन सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्ल नहीं होते। क्यों नहीं होते वो हम अभी मैं बताता हूँ। देखो, मैंने क्या बताया, इस लाइन को याद रखना, सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन होते हैं परंतु सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्ल नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते, जैसे हम बात करते हैं, उसने कहा, क्या कहा, सभी अम्ल हाइड्रोजन युक्त जरूर होते हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक, जैसे हम बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, जनरल जो ले लेते हैं हम इथेनॉल, क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल ज्यादातर कंज्यूम करते हैं, जिसको यूज किया जाता है, वो इथेनॉल है, जिसका सूत्र है C2H5OH, ये इथेनॉल का सूत्र है। देखो, हाइड्रोजन तो इसमें भी है, क्या ये अम्ल है? नहीं, मैं साथ में बोल रहा हूँ ये अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल मतलब सिंपल भाषा में कहें शराब जिसको बोलते हैं, तो ये अल्कोहल है, इसमें हाइड्रोजन आयन है लेकिन ये अम्ल नहीं है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। देखो, इसमें भी एक ग्लूकोज के एक यौगिक में 12 हाइड्रोजन के परमाणु है, लेकिन फिर भी ये अम्ल नहीं है। क्यों नहीं है? इनके पास हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी ये अम्ल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, मैंने अभी बताया कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाते हैं, उनमें से एक आयन हाइड्रोजन आयन अवश्य निकलता है, लेकिन जब हम इनको जल में मिलाते हैं तो इनमें ग्लूकोज में या अल्कोहल में हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं होता। अगर हम इनको जल में मिला देंगे पानी में, तो ये C2H5O और H+ में विभाजित नहीं होता, ठीक है। ऐसे विभाजित नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन आयन नहीं देता। ऐसे ही ग्लूकोज भी हाइड्रोजन आयन नहीं देता। और अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी अम्ल में अम्लीय गुण हाइड्रोजन आयन के कारण होते हैं, तो बात याद रखना। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये अल्कोहल और ग्लूकोज, इनमें हाइड्रोजन तो है, क्या ये आयनीकृत होते हैं? अब कोई भी चीज जो आयन में परिवर्तित हो जाती है वो विद्युत धारा की सुचालक होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड नमक है, पानी में घोल दो उसको तो वो विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं। कोई भी चीज है जिसमें आयन है वो विद्युत धारा का सुचालक होगा, तो अगर ये आयन में परिवर्तित होगा तो इसको पानी में घोल के इसमें से विद्युत धारा गुजार के देख लो, अगर ये आयन में विभाजित हो गया तो ये विद्युत धारा के लिए सुचालक होगा, तो वही काम करके देखते हैं। तो हमने ये एक बर्तन ले लिया, इसमें ये हमने कोर्क लगा दी, कोर्क में 2 किले ठोक दी, इसमें ये किले लगा दिए और ये तार जोड़ दिया, इसके साथ ये बैटरी जोड़ दी। बैटरी का ये लंबे वाला सिरा प्लस होता है, पढ़ चुके हैं, ये माइनस होता है, ये प्लस ये माइनस, ये एक सेल ये दूसरा सेल, इसमें 2 सेल की बैटरी लगा दी हमने, ये बल्ब लगा दिया। जब हम यहाँ पे इसमें ये विलयन के रूप में अगर अम्ल लेते हैं तो ये बल्ब जल जाएगा, लेकिन अगर हम इसका मतलब क्या है, जब अगर ये बल्ब जल गया तो इसका मतलब क्या है कि अम्ल के कारण जो ये विलयन था, देखो हमने तार वापस में नहीं जोड़ा, अगर विद्युत धारा यहाँ से आकर यहाँ से इसमें गई है तो वो इस विलयन में से ही गुजरी होगी, और विलयन में विद्युत धारा को कौन लेके जाता है, जब इसमें कोई ना कोई आयन बनता है, तो अगर इसमें अम्ल है और उसने विद्युत धारा को यहाँ से यहाँ पहुँचाया है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई आयन अवश्य है, और वो आयन क्या है हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन आयन या दूसरे ये भी आयन होते हैं, ये जो निकलते हैं, जिसके ऊपर प्लस होता है वो धन आयन होता है, जिसके ऊपर माइनस होता है वो ऋण आयन होता है, ठीक है। अब हमने इस विलयन को हटा के, अम्लीय विलयन को हटा के यहाँ पे विलयन ले लिया, किसका, ग्लूकोज का या फिर अल्कोहल का, और यही काम करके देखा
तो उस समय ये बल्ब नहीं जलेगा, और अगर ये बल्ब नहीं जलता तो हमें पता चल जाएगा क्या कि इस विलयन में आयन नहीं बने, और जब हमने इसमें लिया था ग्लूकोज या अल्कोहल और बल्ब नहीं जला तो हम कह सकते हैं कि जलीय विलयन में अल्कोहल या ग्लूकोज ये आयन नहीं छोड़ता, अगर छोड़ता तो बल्ब जलता। ठीक है, अब आगे है आशुद्ध जल जो होता है, आशुद्ध जल का मतलब होता है डिस्टिल्ड वाटर, सबसे शुद्ध पानी। सबसे शुद्ध पानी का मतलब क्या है, ऐसा पानी जो बांप से बनाया जाता है, जैसे बांप निकली किसी सतह से टकराई पानी में परिवर्तित हो गई, वो पानी वो सबसे शुद्ध पानी होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसको आशुद्ध जल बोलते हैं। आशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ये बात याद रखना। आपने सुना होगा कि पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, लेकिन जो शुद्ध जल होता है, सातवीं आठवीं में एक प्रश्न भी आता है कि क्या शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है, शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें आयन नहीं होते, लेकिन वर्षा जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है, देखो इधर इधर ये जो है ये बादल है, इधर वातावरण है, इधर से जब पानी की बूंदें चलेंगी तो वातावरण में वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये गैसें हैं। अब जैसे ही पानी ऊपर से आएगा तो पानी जब इसके संपर्क में आएगा CO2 के संपर्क में तो H2O प्लस CO2 तो बन जाएगा H2CO3, मतलब ये होता है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, अब CO2 H2O SO2 के संपर्क में आया सल्फर डाइऑक्साइड के तो बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर H2O इसके संपर्क में आया NO2 के तो बन जाएगा HNO3। देखो वायुमंडल में उपस्थित बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जो अम्लीय गैस हैं। देखो कार्बन अधातु है, सल्फर अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, धातु का ऑक्साइड सारी प्रवृत्ति का होता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो ये अधातु है, ये इसका ऑक्साइड है, देखो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये अधातु ऑक्साइड है, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, तो ये पानी में घुल के तो अम्ल तो बनाएगा ही। देखो ये पानी में घुल के इन्होंने अम्ल बना दिया, और हम पढ़ चुके हैं जब जलीय विलयन में अम्ल घुल जाएगा तो वो तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा, इसलिए वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि उस जल में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें मिली होती है, जिनके कारण वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। उसके बाद अम्ल केवल जलीय विलयन में ही अम्लीय गुण दिखाता है, मतलब क्या, अगर अम्ल ड्राई है, शुष्क अवस्था में है, तो क्या वह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है? नहीं भाई, जब तक अम्ल में से हाइड्रोजन आयन नहीं निकलेंगे तब तक अम्ल अपने अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक हमने टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया NaCl, कॉमन साल्ट बोलते हैं इसको, साधारण नमक, इसमें H2SO4 डाल दिया इसके ऊपर। जैसे ही NaCl में H2SO4 डालेंगे तो इन दोनों की अभिक्रिया होगी और गैस निकलेगी HCl गैस। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यहाँ, लेकिन ये अम्ल नहीं है, यहाँ पे इसकी भाप से निकलेगी, लेकिन ये भाप किसकी होगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ गैस के रूप में निकला, पानी में नहीं, अभी वो विलयन नहीं है उसका, तो गैस के रूप में निकला। अब ये लेकिन ये होगा तो अम्लीय ही है, तो अम्ल ही, लेकिन ये गैस के रूप में है, तो अब ये क्या अपने अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीला पत्र, नीला लिटमस पत्र इसके सामने ले जाओ। तो जैसे नीला लिटमस पत्र इसके सामने ले जाओगे उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब एक दूसरा लिटमस, नीला लिटमस पत्र ही, लेकिन उसको गीला करके ले जाओ इसके सामने, तो वो गीला लिटमस पत्र वो लाल हो जाएगा। क्यों लाल हो जाएगा, देखो गीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब ये शुष्क HCl गैस निकलती है और गीले लिटमस पत्र से टकराती है तो गीले लिटमस पत्र में जो जल होता है उसमें घुल जाती है, और घुलते ही अपने
आयन बनाएगी, जैसे HCl है, पानी था उसमें, गीले लिटमस पत्र में इसमें मिल गया तो बन जाएंगे हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। और हमें पता है हाइड्रोनियम आयन के कारण ही किसी अम्ल की अम्लीयता होती है। जैसे ये पैदा होगा ये अपने अम्लीय गुण दिखाएगा और नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। ठीक है भाई, अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल जिसकी क्षमता अधिक होती है, मैंने ऐसा बताया था। तो लेकिन अगर हम हाइड्रोजन आयन के संदर्भ में बात करें कि हाइड्रोजन आयन के तरीके से हम बताएं कि दुर्बल और प्रबल क्या होते हैं, तो प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत अधिक होती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब हाइड्रोजन आयन अत्यधिक मात्रा में होते हैं, उसको बोलते हैं भाई स्ट्रॉन्ग एसिड, या ये कह लो दूसरे शब्दों में हम कहें कोई भी ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाता है, आंशिक रूप से, आधा सा विभाजित नहीं होएगा अम्लों में, पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित हो जाएगा। जैसे HCl है, HCl को हमने पानी में डाला तो ये पूर्ण रूप से उसके आयनों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल एक ऐसा अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, जिसमें हाइड्रोजन आयन बहुत अधिक मात्रा में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अम्ल पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाएगा, आधा सा नहीं होगा। इसके विपरीत जो दुर्बल अम्ल होता है, जैसे CH3, COOH, अगर हम इसको पानी में मिलाएंगे इसमें से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तो जरूर, लेकिन ये पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होगा। हाइड्रोजन आयन जरूर निकलेंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं निकलेंगे, ये आंशिक रूप से आयनीकृत होगा। आंशिक रूप का मतलब है आधा सा आयनीकृत हो जाएगा, जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम निकलती है। और हम पढ़ चुके क्या पढ़ चुके हाइड्रोजन आयन के कारण ही अम्लीय गुण होते हैं, तो इसमें अगर हाइड्रोजन आयन अधिक निकले हैं तो ये अधिक अम्लीय होगा, और इसमें हाइड्रोजन आयन कम निकले हैं तो ये कम अम्लीय होगा। तो इसका मतलब ये दुर्बल अम्ल हो गया और ये हो गया प्रबल अम्ल। ठीक है भाई, अगर हम किसी HCl को लेकर इसमें से विद्युत धारा को गुजारे, ऐसे इसको तार से जोड़े, तो क्या होएगा? यहां हमने बल्ब जोड़ दिया है, ये बल्ब जोड़ दिया भाई, ये बल्ब जोड़ दिया। अगर हम इसमें HCl ले लेंगे यहां पे, तो ये बल्ब जो है ज्यादा तेज जलेगा। ठीक है, ब्राइट, बहुत ज्यादा चमकीला होगा, मतलब अधिक रोशनी देगा। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह हम ये ले लेंगे CH3COOH, ये अम्ल ले लेंगे, तो ये बल्ब जलेगा तो जरूर लेकिन डिम लाइट देगा, मतलब कम जलेगा। कारण क्या है? कारण यही है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाएगा, ज्यादा आयन बनेंगे तो ज्यादा विद्युत धारा को प्रभावित करेगा, जिसके कारण बल्ब तेज रोशनी देगा। और ये कम आयनीकृत, ये आयनीकृत कम होगा तो आयन कम देगा, तो विद्युत धारा को भी कम प्रभावित करेंगे, इसलिए वो डिम लाइट देगा, कम जलेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा तो ये हो गया क्या प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, उसके बाद है एक और बात मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या बताई थी कि जो कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3, ये ऐसा अम्ल होता है जो खनिज अम्ल तो होता है लेकिन ये एक दुर्बल अम्ल होता है, बाकी जितने भी खनिज अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, तो एक मैंने बताया तनुप्रीत और सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल जो होता है, सांद्र अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। जैसे मैं बता चुका हूं प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, प्रबल अम्ल या सांद्र अम्ल एक ही बात समझ लो। और जो दुर्बल अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है, पानी मिलाने से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है, इसलिए तनुकृत अम्ल जो होता है वो दुर्बल हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री, मतलब जो अम्ल हम पढ़ चुके हैं इनके प्रयोग कहां कहां होते हैं, कहां कहां इनके उपयोग होते हैं।
चलो एक दो उपयोग मैं बता देता हूँ। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4, इसका प्रयोग करते हैं भाई इंडस्ट्रीज में, क्या बनाने के लिए? फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स मतलब खाद बनाने, उर्वरक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या पेंट बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, सिंथेटिक रबड़ बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, और एक्सप्लोसिव मतलब कोई विस्फोटक बनाने के लिए हम H2SO4 का प्रयोग करते हैं भाई। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल का बात करें, HNO3 का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? HNO3 का प्रयोग करते हैं हम फर्टिलाइजर बनाने के लिए, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, और एक्सप्लोसिव विस्फोटक बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, डाई बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, वही प्लास्टिक बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें HCl की, HCl का प्रयोग कहाँ होता है? तो HCl का प्रयोग होता है भाई स्टील के पदार्थ बनाने के लिए, क्यों? जो HCl है उसका प्रयोग, जो स्टील के बर्तन होते हैं उनके ऊपर ऑक्साइड की कोई परत जम जाती है तो उसको उतारने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है HCl का, फूड एंड लेदर इंडस्ट्री में, भोजन जो खाद्य इंडस्ट्री है, भोजन इंडस्ट्री, और जो दूसरी जो है लेदर इंडस्ट्री मतलब जो चमड़ा उद्योग है और खाद्य उद्योग है, उनमें HCl का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये उपयोग हो गए भाई इनके, किसके? H2SO4 के, HNO3 के और HCl के, ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। एक प्रश्न था उसमें क्या था कि अगर आप लोगों के पास क्या है, मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन है, और इस मैग्नीशियम के रिबन का एक पीस लेके इसमें HCl डाल दिया और CH3COOH डाल दिया, एक डाला एसिटिक अम्ल, एक डाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हमें पता है कि अम्ल धातु के साथ हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं, तो कहता है कि इसमें से तेजी से अभिक्रिया की कौन से अम्ल में होगी। अभी मैंने बताया HCl जो होता है ये प्रबल अम्ल होता है, और ये जो एसिटिक अम्ल होता है ये एक दुर्बल अम्ल होता है। अगर ये प्रबल अम्ल है तो इसमें अभिक्रिया तेजी से होगी, वाइग्रस अभिक्रिया होगी मतलब एकदम तेजी से, और बुलबुले हाइड्रोजन गैस के तेजी से निकलेंगे HCl के साथ, जबकि जो एसिडिक अम्ल है वो अभिक्रिया थोड़ी धीमे से करेगा, ठीक है भाई। तो ये जितना था, ये दो वीडियो में मैंने अम्ल को कंप्लीट करवा दिया है। इन वीडियो को कुछ समझ में नहीं आए तो बार बार देखना। देखो जब भी आप किसी टीचर की वीडियो देखोगे तो एक दो वीडियो देखने से कोई चीज़ समझ में नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखो, किसी भी टीचर की अगर वीडियो देखोगे जब तक उसको लगातार 5-6 दिन फॉलो नहीं करोगे उनकी वीडियो को, तो आपको उनका मेथड समझ में नहीं आएगा कि वो किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, कौन सा टॉपिक उठाते हैं, कहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं। तो किसी भी टीचर को अगर फॉलो करते हो, किसी भी टीचर को पढ़ते हो, तो उसको कम से कम 6-7 दिन जरूर दो। ये वैसा ही होता है जैसे कोई नया टीचर क्लास में आ जाए तो उसकी 2-4 दिन बातें समझ में नहीं आती, लेकिन 7-8 दिन जब हम थोड़ा रेगुलर होते हैं तो उनका पढ़ाने का तरीका समझ में आने लग जाएगा। वैसा ही यहीं पे यहाँ भी है, अगर वीडियोस को देख रहे हो तो पूरा वीडियो को पूरा देखो और 5-6 दिन तक फॉलो करो कि क्या तरीका है पढ़ाने का। अगर 5-6 दिन तक मैं कहता हूँ वीडियो को देख लिया तो आप किसी दूसरे टीचर की वीडियो को नहीं देखोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।